जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। आपका पहला सवाल है, रेडियो को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अधिकोश, ऑप्शन नंबर बी आकाशवाणी, ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आकाशवाणी। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य है जो रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। NH-10 एकमात्र सड़क है जो राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। आपका अगला सवाल है, किस जीव के पास आंख नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी सांप, ऑप्शन नंबर डी केचुआ। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केचुआ। जी हाँ, केंचुए के पास कोई आंख नहीं होती है, लेकिन उनके पास प्रकाश रिसेप्टर्स होते हैं और वे बता सकते हैं कि वे अंधेरे में हैं या प्रकाश में। केंचुए के कान भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके शरीर पास के जानवरों के कंपन को महसूस कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 22 तिलियां, ऑप्शन नंबर बी 26 तिलियां, ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियां, ऑप्शन नंबर डी 20 तिलियां। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियां। जी हाँ, इस चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होती है। इसकी 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती है। इन 24 गुणों को धर्म मार्ग भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बकरी, ऑप्शन नंबर बी खरगोश, ऑप्शन नंबर सी कंगारू, ऑप्शन नंबर डी हिरण। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खरगोश। ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के साथ जुड़े रहने के लिए आप अपने इस चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है, चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बकरी, ऑप्शन नंबर बी खरगोश, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। जी हाँ, अंतरिक्ष यान में चंद्रमा पर जाने वाला पहला जानवर वास्तव में लाइका नाम का एक फीमेल कुत्ता था
जिसे 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ के स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में लॉन्च किया गया था। आपका अगला सवाल है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। जी हाँ, भारत में उत्पादित पूरी चाय का लगभग 52% 652.9 मिलियन किलोग्राम असम राज्य से आता है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल को खाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी पपीता, ऑप्शन नंबर डी केला। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केला। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी केरल। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका अगला सवाल है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टेनोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर सी टेलीकॉम, ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीग्राफ। आपका अगला सवाल है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। आपका अगला सवाल है, भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 100 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी 50 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी 300 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी 200 वर्षों तक। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 200 वर्षों तक। आपका अगला सवाल है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। जी हाँ, कटहल बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है, जबकि भारतीय राज्यों केरल और तमिलनाडु में भी इसे राज्य फल का दर्जा दिया गया है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बैगन, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी आलू, ऑप्शन नंबर डी कद्दू। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलू। ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के साथ जुड़े रहने के लिए आप अपने इस चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका अगला सवाल है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में,
ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी भारत में, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। जी हाँ, माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 में हुआ था। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन वॉकर है, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। आपका अगला सवाल है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इमली, ऑप्शन नंबर बी पपीता, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी लीची। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इमली। आपका अगला सवाल है, किस देश में हाथी को मारने पर फांसी की सजा दी जाती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका में। आपका अगला सवाल है, समुद्र का राजा किस जीव को माना जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ को, ऑप्शन नंबर बी मेंढक को, ऑप्शन नंबर सी मछली को, ऑप्शन नंबर डी कछुआ को। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ को। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी चीता, ऑप्शन नंबर सी कंगारू, ऑप्शन नंबर डी जिराफ। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिराफ। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच, ऑप्शन नंबर बी मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी सांप, ऑप्शन नंबर डी बिच्छू। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और इन प्रश्नों में से आप सभी को कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था यह भी बताइएगा।